बिहार के माझरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए की टीम गैंगस्टर कविता राठी के घर आदम की। सुबह सुबह जब कविता बिस्तर से सोकर उठा भी नहीं था, अपने सामने एनआईए के अफसरों को देखकर वो सन रह गया। दरअसल एनआईए को शक था कि कविता राठी के बड़े बड़े गैंगस्टरों के साथ संबंध है। इसी सिलसिले में एनआईए स्थानीय पुलिस की टीम को साथ लेकर माझरी गांव पहुंच गई थी। इस दौरान पुलिस और एनआईए के अधिकारियों ने कविता राठी और उसके घर वालों से कई घंटों पूछताछ की, जिसके बाद घर की तलाशी भी ली गई और आखिर में एनआईए की टीम कविता राठी को अपने साथ ले गई। एनआईए की टीम में 5 अधिकारी शामिल थे, जिनमें एक महिला सब इंस्पेक्टर भी साथ में मौजूद थी। कयास लगाया जा रहा है कि कविता के किसी गैंगस्टर के साथ संबंध हो सकता है। गहन पूछताछ के बाद एनआईए की टीम कविता को अपने साथ बादली थाने लेकर गई, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक कविता पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामले दिल्ली और हरियाणा में दर्ज हैं, और अभी वो जमानत पर बाहर आया था। बता दें कि कविता का भाई भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, जो फिलहाल हिसार की जेल में बंद है। बहरहाल अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि एनआईए की टीम किस मामले को लेकर कविता से पूछताछ करने पहुंची थी और उसके हाथ तलाशी के दौरान कोई सबूत लगा या नहीं। कविता ने पुलिस को क्या बताया है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एनआईए की टीम और स्थानीय पुलिस अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए रहे, मगर एनआईए टीम के छापेमारी से माझरी गांव और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।